एमबीएड एमफिल पीएचडी उच्च शिक्षित असूनही विकावा लागतोय चहा। आज शिक्षण व्यवस्थेचा कसा बोजवारा उडालाय हे आपणही बातमी पाहिल्यावर नक्कीच समजू शकाल। एकीकडे उच्च शिक्षित म्हटलं की समाजामध्ये मान पान मिळतो, मात्र त्याच उच्च शिक्षित व्यक्तीला जेव्हा नोकरी लागत नाही अशा वेळी त्याच्याकडे समाजाचं बघणं म्हणजे तो शिकून काही गुन्हाच केलाय की काय अशा प्रकारे पाहिलं जातं। ही बातमी आहे शिकवण व्यवस्थेला जाब विचारण्याची। उच्च शिक्षित असूनही जेव्हा नोकरी मिळत नाही अशा वेळी माणसाच्या मनात नैराश्य येतं। 16 वर्ष झाली गणेश काशीनाथ होनराव हे तासिका तत्वावर विविध महाविद्यालयामध्ये शिक्षण तासिका घेतात, मात्र जेव्हा त्यांच्यावर वेळ येते परमनंट करण्याची तेव्हा मात्र पैशाची मागणी केली जाते। बरं, पैसे थोडे तर कुठे चक्क 40 ते 50 लाख डोनेशन। एवढे पैसे एखाद्या सामान्य कुटुंबात शिकलेला व्यक्ती कसा काय भरू शकतो हा खूप मोठा प्रश्न शिक्षण व्यवस्थेने समोर आणलाय। एकतर हलाकीच्या परिस्थितीमधून उच्च शिक्षित व्हा आणि नोकरी मागायची वेळ आली की डोनेशन भरा। कुठून भरायचं हे डोनेशन म्हणून उच्च शिक्षित असलेल्या गणेश होनराव सरांनी बँकेचं कर्ज उचलून नंदिनी मसाला चहा शाहू चौक उदगीर येथे या नावाने व्यवसाय सुरू केलाय। जाणून घेऊया त्यांच्याकडून कशा प्रकारे त्यांच्यावर ही वेळ आलेली आहे। होटल लगाया है नंदिनी नमक जो ब्रांड है चाय का वो आपने लगाया है, तो इसके पीछे की जो वजह है आखिर क्या वजह है? मैं एक एजुकेटेड कैंडिडेट हूँ, मेरा एजुकेशन एमए बीएड एमफिल और पीएचडी है। आज से करीब 16 साल से रोजगार के वास्ते मैं बहुत सारे कॉलेजेस में इंटरव्यू दे के आया, लेकिन मुझे कोई रोजगार नौकरी नहीं मिली। बाद में मैंने सोचा कि कब तक ऐसे ढूंढते रहेंगे, और महाराष्ट्र में ऐसी कंडीशन है कि डोनेशन के बगैर नौकरी नहीं मिलती। 40 लाख तक 50 लाख तक डोनेशन अभी महाराष्ट्र में मांगा जा रहा है। पिछले 10-12 साल से महाराष्ट्र में वरिष्ठ महाविद्यालय के जो शिक्षक वृंद है, जो प्राध्यापक प्रोफेसर है, उनकी भर्ती बंद है। मेरे जैसे बहुत सारे महाराष्ट्र के उच्च शिक्षित कैंडिडेट है जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली।
ये सब देख के मैंने सोचा कि एक अलग से रास्ता ढूंढना चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे, जब मैं कॉलेजेस में इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पे अलग अलग तरह के डोनेशन मांगे गए, 40 से 50 लाख तक चले गए थे। मैं एक गरीब हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है उतना डोनेशन देने के लिए। मैंने सोचा कि इन लोगों को पैसे देने की वजह मैं अपना खुद का एक रोजगार ढूंढूं, बिजनेस चालू करूं। ये सोच के मैंने बैंक ऑफ इंडिया से फरवरी में 4,50,000 रुपये कर्जा लिया और वो कर्जे से और मेरे खुद के कुछ पैसे डाल के ये बिजनेस मैंने चालू कर दिया। कितना खर्चा आया आपका खुद का बिजनेस चालू करने के लिए? ये मेरा बिजनेस चालू करने को 6,50,000 रुपये, 6.5 लाख रुपये खर्चा आ गया उस। अभी मतलब लॉकडाउन तो है, आपने लॉकडाउन के समय ही होटल खोला है, तो मुनाफा का, अगर मुनाफे की बात की जाए तो कितना मुनाफा होता है और कैसे ये करते हैं? अभी एक लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन से करीब 4 से 5 महीने तक मेरा बिजनेस बंद हो गया। ये टाइम पे बहुत नुकसान मेरे को सहन करना पड़ा, फिर भी अभी लॉकडाउन तो चल रहा है, फिर भी मेरा जो खर्चा है उतना खर्चा तो निकल जा रहा है, इतनी आमदनी हो रही है। पढ़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद भी अगर डोनेशन देने की नौबत आ जाए तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? अभी अपना जो एजुकेशन का जो क्या बोलते हैं उसे सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है अपनी इंडिया की, ये सिस्टम रोजगार देने के लायक नहीं है। जैसे परंपरागत शिक्षण प्रणाली बोलते हैं, ये पारंपरिक शिक्षण प्रणाली है, इससे रोजगार नहीं मिलता। रोजगार विमुख एजुकेशन देना चाहिए, जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में बच्चों को रोजगार विमुख शिक्षण दिया जाता, शिक्षा दिया जाते, जिस शिक्षा से उनको कुछ ना कुछ बिजनेस विवेक कर सकते हैं। लेकिन अपने यहाँ ये सिस्टम नहीं है, तो ये सिस्टम बदलनी चाहिए और स्टूडेंट को उनके लिए रोजगार विमुख एजुकेशन देना ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि रोजगार देने वाले एजुकेशन के साथ साथ रोजगार की संधि भी उपलब्ध होनी चाहिए। वो चाय की दुकान चला रहा है तो क्यों, ये भी हमें उत्सुकता लगी कि क्यों ऐसा हुआ। पहले स्टार्टिंग में हम आते थे, 2 दिन में 1 बार आते थे, चाय पीते थे, ऐसी इनसे मुलाकात हुई, उन्होंने फिर बोलना शुरू किया कि मैं MA PhD वाला आदमी हूँ और मुझे चाय की दुकान। तो हमने पूछा क्यों हुआ ऐसा, किस वजह से आपको ये हो गया? आप लेक्चरशिप कर सकते थे या फिर आप परमानेंट कहीं भी लग सकते, आज सीनियर कॉलेज की पेमेंट बहुत सारी है। तो इन्होंने हमें उसके बियॉन्ड फैक्ट बताया कि मुझे ऐसा ऐसा 50-55 लाख रुपए मांगे हुए, तो मैं क्या करता, क्यों इतना पैसा देके मैं क्या करता। ये 6.5 लाख में इन्होंने चालू किया और इनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, जब तक आपकी टेस्ट अच्छी नहीं रहती है तब तक आप कुछ नहीं करते। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं दिल में हमें ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर चाय बेचता है तो एजुकेशन सिस्टम हम क्या कर सकते, उसको इतनी बुरी एजुकेशन सिस्टम है। अभी हमें भी लगता है कि हम भी पढ़े या ना पढ़े, क्यों हमने पढ़ाई करके इतना सारा ये करते हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? तो मेरी MSc हुई है सर, अभी मुझे PhD या नेट सेट करना था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं MA PhD करूँ या ना करूँ। नहीं तो अभी इन्होंने कहा कि 55 लाख अभी का रेट है कि सीनियर लेक्चरर लगने के वास्ते। तो आपकी PhD होने के बाद क्या? मुझे तो लगता है अगर मेरी PhD अभी अगले साल या उसके अगले साल होगी, 2022 तक मेरी PhD खत्म होगी, तो मुझे लगता है कि 1 करोड़ कहीं होना चाहिए इसकी डोनेशन। अभी इनकी बोल रहे कि 50-55 लाख 50 लाख, तो 1 करोड़ तक ना जाए ये सोच रहा हूँ। अभी मैं सोचता हूँ कि अभी मैं PhD छोड़ के ऐसा ही कौन सा बिजनेस करके सेटल हो जाऊँ।